नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी की डा चैनल पे। और इस वीडियो में आज हम लोग बटन की जो प्रोसेसिंग होती है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे ही बटन पर हम लोग क्लिक करें तो जैसे स्टार्ट प्रोसेसिंग है, शिफ्ट ऑर्डर है और अपडेट स्टेटस है, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि फॉर्म टैग हम लोगों ने नहीं लगाया है, तो फॉर्म टैग जो है व्रैप कर लेगा इन सभी सारे के सारे कंटेंट को। तो हम लोग फॉर्म मेथड इक्वल्स टू हम लोग पोस्ट कर देते हैं। जब ये पोस्ट होगा तो आप लोगों का जो वीएम है, ऑर्डर वीएम है, वो उस एज ए पैरामीटर जो है वो चला जाएगा, जिसमें आप लोगों की ऑर्डर हेडर डिटेल आ जाएगी और ऑर्डर डिटेल जो है लिस्ट आ जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के पास आ गई। अब नेक्स्ट टास्क जो है आप लोगों को बटन पर क्लिक करके करना है कि बटन पर जब आप लोग क्लिक करें तो आप लोगों के पास कैसी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास बटन है एक अपडेट ऑर्डर, जिसमें आप लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज होती हैं। यूज़र की जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नेम है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, वगैरह वगैरह आप लोगों की चेंज होती है, तो ये आप लोगों का ऑर्डर हेडर इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी जो है, ऑर्डर हेडर आईडी जो है हम लोगों को चाहिए होती है, ताकि हम लोग एक यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है ऑर्डर हेडर के अंदर से चेंज कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग एक ऑर्डर हेडर आईडी भेजेंगे हिडन के रूप में, और आप लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन EFT फॉर ऑर्डर हेडर डॉट आईडी। ठीक है, इसे हम लोग जो है एक बार के लिए स्टॉप डिबगिंग कर देते हैं, स्टॉप, और ये हो गया, इन्फॉर्मेशन को सेव कर दिया हम लोगों ने। अब आप लोग देखते जाइए कि ऑर्डर जो कंट्रोलर है उसमें आप लोग देखिए कि हमारे पास ऑर्डर डिटेल है, लेकिन इसका जो पोस्ट मेथड है वो नहीं है। तो जस्ट इसको ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। आईडी की जगह हम लोग उसमें क्या कर देंगे, ऑर्डर हेडर जो है इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ऑर्डर वीएम। ठीक है, अब हम लोग यहां पर एचटीटीपी पोस्ट कर देते हैं। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमारे पैरामीटर में क्या आ गया, ऑर्डर वीएम आ गया। अब यहां पर वीएम हम लोग सेंड कर देते हैं। एक बार के लिए डिबग पॉइंट क्रिएट करके देखते हैं कि यहाँ पर जो है फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उससे आसान हो जाएगा कि अगर ये हिट होता है तो आप लोगों का जो कोड है वो इसमें हम लोगों को राइट करना है। सिमिलरली हम लोगों को बटन्स के जितने भी कोड होते हैं वो सारे के सारे वन बाई वन राइट करने हैं। तो एक बार के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि ऑर्डर पर हम लोगों को जाना, नेविगेट करना है और हम लोग चेक कर लेते हैं कि हिट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिट करता है। अब हम लोग अपना जो कोड है वो इसमें हम लोग राइट करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि हम लोगों के पास इजी हो जाए चीज़ों को समझना और सीखना। सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को ऑर्डर हेडर की इन्फॉर्मेशन चाहिए है। तो ऑर्डर आईडी जो है हम लोग गेट करेंगे, ऑर्डर हेडर आईडी। और ऑर्डर हेडर आईडी आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, हम लोग डाटाबेस से निकालेंगे ऑर्डर हेडर को सबसे पहले, क्योंकि ऑर्डर हेडर के अंदर ही हम लोगों को जो चेंजेस हैं वो करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले डाटाबेस के अंदर से ऑर्डर हेडर इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। डाटाबेस से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क को यूज़ में लेंगे, डॉट ऑर्डर हेडर डॉट गेट टी। गेट टी का मतलब एक सिंगल डाटा जो है हम लोग निकाल रहे हैं ऑर्डर हेडर के अंदर से। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग लिख सकते हैं, एक्सटेंस टू एक्स डॉट आई डी वी एम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट आई डी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट में बनाने में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने कोड को, ताकि मैं उसमें आप लोगों की मदद कर सकूं।
और ये ASP.NET कोर्स का कोर का कोर्स है। इसके बाद में जस्ट ब्लेजर का कोर्स चलेगा और उसके जस्ट बाद में हम लोग जेमरिन का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया ASP.NET कोर का कि जितने भी सिनेरियोज हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाए थे ASP.NET कोर के बारे में, 114 या 15 ट्यूटोरियल्स हैं। देखिए, ट्यूटोरियल्स नेवर एंडिंग की प्रोसेस होती है, ट्यूटोरियल्स कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि एक के बाद एक टॉपिक्स जो है वो निकलते जाते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो वो हम लोग आप लोगों को बताते ही रहते हैं। ठीक है, तो नेवर एंडिंग की प्रोसेस है और धीरे धीरे करके सीख जाएंगे सारा चीज़ें, मैटर जो है हम लोग आप लोगों को बता ही देंगे, तो इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीखना आप लोगों का काम है, सिखाना हम लोगों का काम है। आप लोग धीरे धीरे प्रोसेस को सीखते जाइए और करते जाइए। ऑर्डर हेडर डॉट नेम, ऑर्डर हेडर डॉट फोन, ऑर्डर हेडर डॉट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, पोस्टल कोड, ये वगैरह हम लोगों को चेंज करने हैं। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग चेंज करेंगे ऑर्डर हेडर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग VM में देख लेंगे कि कैरियर जो है वो नल नहीं है। अगर कैरियर नल नहीं है तो इसका मतलब कैरियर और शिपिंग डिटेल्स जो है वो आ गई हैं। ठीक है, तो ऑर्डर हेडर डॉट कैरियर इक्वल्स टू हम लोग कैरियर डाल देंगे, कि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्डर डिटेल जो है डालते समय ही जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल दी जाती है एडमिन के द्वारा कैरियर की और उनकी डिटेल्स जो है, तो ऑर्डर जो कैरियर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं साथ में। ऑर्डर हेडर डॉट कैरियर इक्वल्स टू वी एम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट कैरियर। सिमिलरली आप लोगों की जो ट्रैकिंग नंबर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, तो वो भी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, इसी में आप लोग जो है वो कर दीजिए। आई थिंक इसमें और उसमें कोई भी डिफरेंस मुझे तो मालूम नहीं होता है कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोग कर सकते हैं और इजीली ये चीज़ हैंडल भी की जा सकती है। ठीक है, ऑर्डर हेडर डॉट ट्रैकिंग नंबर, बी एम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ट्रैकिंग नंबर, आसानी से इस चीज़ को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होटल मैनेज, इसके बाद में बहुत सारे देखिए प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप लोग ध्यान से करें तो सही ठीक होगा। अब हम लोग इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर आप लोगों के पास आप लोगों ने चेंज कर दी है, जैसे एडमिन अगर चेंज करेगा तो वो अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लिक कर देगा, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड हो जाएंगी। ठीक है, जो यूज़र को दिखनी है वो यूज़र को दिखेगी और जो यूज़र को नहीं दिखनी है वो यूज़र को नहीं दिखेंगी, और जो एडमिन है वो अपडेट सक्सेसफुल पे मैसेज पे क्लिक कर सकता है, तो वो इजीली इन चीज़ों को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों के पास जो टेम्प डाटा का जो मैसेज है वो आ जाएगा और आप लोग इसको प्रोसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है जिसको आप लोग सीख नहीं सकें, एकदम आसान सी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को सीखना है। रीडायरेक्ट टू एक्शन करना है, एक्शन में आप लोगों को डिटेल पर जाना है, और एक्शन मेथड जो है वो ऑर्डर रहे सॉरी कंट्रोलर ऑर्डर रहेगा, और आप लोगों को एक आईडी जनरेट करनी है, न्यू आईडी इक्वल्स टू वीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट आईडी, ऐसे आप लोगों को करनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये आसान ही है जिसे आप लोगों को करना है, हार्ड एंड फास्ट तो मैं इसमें बता ही नहीं रहा कुछ जिसे आप लोग कर ना सकें।
अब मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दूंगा कि ये प्रोजेक्ट आप लोग करके दिखाएं, ये प्रोजेक्ट आप लोग करके दिखाएं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों को करने हैं, इसी के बेस पर है। एक सैम्पल मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिया ही था कि आप लोगों को सिंपल सा ये प्रोसेस करनी है। अब आप लोगों के पास देखिए टेम्प डाटा में ऑर्डर वीएम जो है के अंदर से ये डिटेल आ चुकी है आप लोगों के पास। आप लोगों ने ये जो ऑर्डर वाला अपडेट ऑर्डर था वो आप लोगों ने कर दिया है। अब आप लोगों के पास दो बटन है। सबसे पहले इन प्रोसेसिंग वाला बटन है कि अंडर प्रोसेस में चला जाएगा आप लोगों का जो ऑर्डर का जो स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस में चला जाएगा, और जब अंडर प्रोसेस में आ जाए तो आप लोग उसे शिप कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑर्डर अप्रूव्ड हो चुका है तभी वो बटन आप लोगों के पास शो होंगे, और अंडर प्रोसेस में होगा तो आप लोगों का बटन जो है वो शिफ्ट ऑर्डर वाला दिखेगा आप लोगों को। तो ये प्रोसेस भी आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए, ये भी आप लोगों के लिए ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इन प्रोसेस, और यहाँ पर इन प्रोसेस करने के लिए आप लोगों को कुछ ऑर्डर के स्टेटस जो है वो चेंज करने होंगे। ऑर्डर का स्टेटस का मतलब ये होता है आप लोगों के पास कि आप लोग जो हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन चेंज कर सके, जैसे कि हम लोग यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क वाले पोर्शन को ही जो है चेंज कर लेते हैं, और अपडेट स्टेटस हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। अपडेट स्टेटस में हम लोग ऑर्डर हेडर आईडी भेजेंगे, और यहाँ पर आप लोगों की इन प्रोसेसिंग जो है स्टेटस की वो चेंज कर देंगे। बस इतना सा हम लोग इसमें चेंज करेंगे इन प्रोसेस के अंदर। शिफ्ट के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि शिफ्ट के अंदर तभी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी हम लोगों की कैरियर इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है, या आप लोगों की ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है। ये सारी की सारी शिफ्ट होने के बाद में चेंज होती हैं, ठीक है? तो ये आप लोग यहाँ पर ऑर्डर हेडर डॉट अपडेट स्टेटस को कॉल कर सकते हैं, और अपडेट स्टेटस को कॉल करने के बाद आप लोग किसको यहाँ पर ऑर्डर हेडर आईडी सेंड कर सकते हैं जो कि वीएम में आप लोगों की मिल सकेगी। आप लोगों को वीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट आईडी, और सिमिलरली आप लोग जो हैं इसमें जो ऑर्डर का स्टेटस है वो आप लोग अंडर प्रोसेस भेज सकते हैं, यानी कि इन प्रोसेस, सॉरी, ठीक है? ये भेजेंगे तब आप लोगों को डिटेल जो है वो पता लग जाएगी, और आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि जो ऑर्डर का जो ट्रैकिंग होती है ऑर्डर की वो कैसे प्रोसेस की जाती है, कैसे आगे फॉरवर्ड की जाती है। तो यूनिट ऑफ वर्क से हम लोग ये चीज़ कॉल कर सकते हैं, यूनिट ऑफ वर्क डॉट ऑर्डर स्टेटस अपडेट स्टेटस वीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट आईडी एंड ऑर्डर स्टेटस डॉट इन प्रोसेस। इन एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों को एक्चुअली में ऑर्डर का जो स्टेटस है जो हम लोगों ने बनाई है प्रॉपर्टीज वो किस प्रकार है। देखिए स्टेटस पेंडिंग है, स्टेटस रिफंड है, और इसमें ही आप लोगों के पास स्टेटस इन प्रोसेस है, यही हम लोगों को चाहिए है। तो हम लोग ऑर्डर स्टेटस डॉट स्टेटस इन प्रोसेस जो है वो कर देंगे, तो ये चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी, और आप लोगों के पास जो है ऑर्डर का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क डॉट सेव हम लोगों ने कर दिया, ये मेथड भी आप लोगों को समझ में आ गया, और टेम्प डाटा में सक्सेस हम लोगों ने भेज दिया, तो हम लोग यहाँ पर ऑर्डर का जो स्टेटस है वो चेंज देख लेंगे, ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड, ठीक है? तो ये आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इन प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ चेंज हो गई, ठीक है? अब हम लोग इन प्रोसेस तो हम लोगों ने कर दिया है, यहाँ पर हम लोगों को एक और मेथड कॉल करना है शिफ्ट का, कि जो हमारा पार्सल है वो शिफ्ट हो जाए तो उसका भी स्टेटस जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है? तो इन प्रोसेस की जगह हम लोग यहाँ पर शिफ्ट भी लिख देते हैं, ठीक है? ताकि वो चीज़ें भी चेंज हो जाए। और इसके बाद हम लोग जो है एक ऐसा डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे ताकि आप लोगों को ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इजीली जो है वो समझ में आ जाए। जब चीज़ें समझ में आएंगी तभी आप लोग जो हैं अपने जो कार्ट की डिटेल है उनकी जो टेबल्स हैं वो बना पाएंगे कि हम लोगों ने ये ऑर्डर हेडर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन क्यों ली, हम लोगों को ऑर्डर डिटेल में ये टेबल्स क्यों ली, हम लोग यहाँ पर ये चीज़ चेंज क्यों कर रहे हैं। एक वर्बली हम लोगों को डिमोन्स्ट्रेशन और चाहिए है, तो हम लोग एक जस्ट ये वीडियोस एंड होने के बाद में मैं आप लोगों को एक चार्ट बना कर दूंगा कि ये चीज़ें जो हैं वो क्यों की जाती हैं, ठीक है? ये कोड क्यों लिखा गया है। तो शिफ्ट होने के बाद में इसका मतलब है कैरियर इन्फॉर्मेशन का मतलब है ऑर्डर हेडर डॉट कैरियर ऑर्डर हेडर डॉट ट्रैकिंग नंबर, तो ये ट्रैकिंग नंबर भी इसमें पुट कर दिया गया है। उसके बाद में आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं अपडेट मेथड को, और यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस के साथ ही शिफ्ट डेट भी होनी चाहिए, शिपिंग की डेट और शिपिंग का स्टेटस जो है वो भी चेंज हो जाना चाहिए। तो ऑर्डर स्टेटस जो है वो क्या हो जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि
अगर वो शिफ्ट ऑफ मेथड कॉल किया है तो ऑर्डर का स्टेटस शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर स्टेटस शिफ्ट, ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर स्टेटस क्या हो जाएगा, ऑर्डर स्टेटस डॉट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई, और ये आसान ही थी, और आसान ही इन चीज़ों को बनाना होता है। स्टेटस शिफ्ट हो चुका है, उसके बाद में देखिए ऑर्डर हेडर डॉट जो डेट ऑफ शिपिंग है वो आप लोगों की क्या जाएगी, डेट टाइम डॉट नाउ, जब आप लोगों का शिप हो तभी वो आप लोगों की शिपिंग की जो डेट है वो आप लोगों की असाइंड हो जाए कि इस टाइम आप लोगों ने बटन जो है वो प्रेस किया था, और आप लोगों के पार्सल आने के बाद में जो ही इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वो देखिए कितनी आसान हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक नहीं होनी चाहिए, और ये प्रोजेक्ट जो है आप लोग जो है इजीली अपने इस सिनेरियो से आप लोग जो है आसानी से ये चीज़ों को सीख सकते हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप लोगों के पास सिखाया जाए चीज़ों को तो ये इनफ प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए सीखने में, और आप लोग इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में और अपने प्रोजेक्ट में आप लोग ऐड कर सकते हैं इसको। तो ऑर्डर का स्टेटस भी आप लोगों ने चेंज कर दिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें वो नहीं है ASP.NET Core में, और आसानी से इन चीज़ों को, इन कोड को आसानी से समझा जा सकता है। अब आप लोगों के पास जो बटन्स हैं, स्टेटस जो स्टार्ट प्रोसेसिंग का है, शिफ्ट ऑर्डर का है, इसमें हम लोग ASP एक्शन को जोड़ेंगे ताकि वो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो सही मेथड को कॉल कर सकें। उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियोस में जाकर ये चीज़ें सारी चेक करेंगे कि रोल्स क्या हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 10 वीडियो अभी तक आप लोगों के पास पेंडिंग है, और उसमें बहुत सारा कुछ मैटर जो है वो आना बाकी है, जैसे ईमेल भी फॉरवर्ड होना चाहिए आप लोगों के पास, रोल्स पैसे पहले से डिसाइड होने चाहिए, कोई रजिस्टर पे क्लिक करेगा नहीं करेगा उसमें नहीं होना चाहिए, इनिशियलाइजर क्लास होनी चाहिए उसके बेसिस पर, जैसे कि मैंने, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो मैंने DB इनिशियलाइजर क्लास आप लोगों को बताई थी पहले से ही, जो 114 वीडियो अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो उसमें मैंने क्लियर कर रखी है, तो वो देख सकते हैं। तो ये इन प्रोसेस हो गया और ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, चलो।